अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, अभी हम लोग इधर बैठ गए हैं और तीन आदमी हैं। क्या पी रहे हैं हम लोग भाई? ये बोलता है एवोकाडो का जूस है। एवोकाडो का इंग्लिश नाम है, इसका अरबी नाम हमको मालूम है। अरबी में इसको क्या बोलते हैं एवोकाडो को? इंग्लिश में? अच्छा, अंग्रेजी में और उसमें क्या नाम है, अरबी में एवोकाडो एवोकाडो भी बोलते हैं। और थोड़ा शायद इंग्लिश बोलेगा एवोकाडो और वो बोलेगा एवोकाडो, हाँ थोड़ा फर्क है। लेकिन इसको दूध से बनाते हैं ना। और क्या चीज़? शक्कर, आइस, आइस, मिल्क, चार चीज़। मधु भी बोलता है, यानी उस हनी भी शायद दे सकता है। अगर दे सकता है तो दे सकता है ना। हाँ अच्छा, मधु उसको भी थोड़ा मिक्स करता है हनी, हनी के लिए। ये बहुत टेस्टी चीज़ है और इसको बहुत मज़ा का चीज़ है यार। अगर ये मिलेगा तो इसको बार बार खाना चाहिए, पीना चाहिए। नहीं, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए बोल रहा है, उसको दिखाने के लिए, उसको बोलने के लिए कि ये चीज़ अगर आप लोग बार बार पिएगा तो सेहत के लिए अच्छा है। स्पेशली अगर आदमी लोग का जो स्टोमक में प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए एक तजवीज़ है कि वो लोग रुमान का फ्रेश जूस ऐसा बना के पिए तो उसके लिए बहुत वो लोग को फ़ायदा मिलेगा। रुमान को इंग्लिश में फोम ग्रेनेट और उर्दू में इसको अनार बोलते हैं। वो खासकर मैदे के लिए अच्छा है, ये ताकत के लिए अच्छा है, इसको बॉडी के लिए, ताकत के लिए आदमी लोग इसको बनाते हैं, पीते हैं तो अच्छा लगता है। नाज़रीन, आज का ये छोटा शो था, आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद देख के पसंद आएगा। अगली सफर और अगली वीडियो तक हम लोग का इंतज़ार करें, बने रहें, देखते रहें। मुल्ला, अगर तुम कुछ कहना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई, कुछ बात है तो बोल सकते हो। तुम्हारे ज़ुबान में इसका क्या नाम है? अपना ज़ुबान में इसका कुछ नाम है? यार कैसा है? चलो चलो, ओके, अभी हम लोग करते हैं आप लोग को खुदा हाफिज़। बने रहें, देखते रहें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाई।